दोनों तरफ सड़क किनारे अगर आप देखें तो आड़ू के बागात हैं और बहुत बड़े बड़े बागात हैं। और ये अगर आप इस वक्त देखें तो अर्ली ग्रेन एक ये सबसे जो जल्दी जो तैयार हो जाता है वो फसल जो है ना आड़ू की तैयार है। ये अगर आप देखें तो गुम्बद बलोकल स्टोपा के लिए ये रास्ता इस तरफ राइट मुड़ना है। और ये बड़ा मतलब रोड नहीं है लेकिन बहरहाल इस पर गाड़ी आ जा सकती है, कोई इशू नहीं है। तो देखते हैं आगे, आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है। गुम्बद बलोकल स्टोपा में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शरीन ज़ादा और इस वक्त मैं बरकोट के इलाका बलोकले में मौजूद हूँ। बलोकले के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर तारीखी एक स्टूपा है। इस स्टूपे के बारे में मैंने आपको बताना है कि ये किस तरह है, यहाँ मतलब कितने फासिले पर है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने के लिए है। मेरे साथ रहे। स्टूप आप देख रहे हैं कि यहाँ हम पहुँच गए हैं और ये एशिया में वाहिद डबल डोंग स्टूपा है कि ये अपने सही हालत में है, यानी अपने ओरिजिनल हालत में है और इसको कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा। तो अंदर आपको लेके जाता हूँ कि अंदर क्या सूरत हाल है, लेकिन सिर्फ आपको थोड़ा सा महल वक़ू आपको दिखा दूँगा। अगर आप देखें तो यहाँ का नज़ारा इंतहाई शानदार है और ये जो आप एरिया आप देखें ये बलो गांव और यहाँ पर यूनिवर्सिटी और कुछ चीज़ें बन रही है बहुत ही ज़्यादा। और आप इर्द गिर्द अगर आप देखें तो सारे बागात हैं, आड़ू की बागात है और कुछ दिगर सेब भी है लेकिन ज़्यादातर आड़ू है। और इस तरफ ये पहाड़ और बीच में ये स्टूपा। तो ये डबल डोंग स्टूपा बहुत ही तारीखी अहमियत के हवाले से है। यहाँ इस हवाले से मज़ीद मैं चाहूँगा कि किसी से बात करूं ताकि हमें वो बता सके कि ये कितनी पुरानी है, इसकी तारीखी अहमियत क्या है और ये कब दरियाफ्त हुआ। तो इस चीज़ों के हवाले से मैंने आपको बताना है। और ये भी गोरख शहर की बिल्कुल करीब है, यानी तकरीबन 25 या 26 किलोमीटर के फासिले पर है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो इस्लामाबाद से आते हुए भी आपके रास्ते में ये पड़ेगा और इसके अलावा आप अगर मिंगवारा से आते हैं तो तकरीबन 25-30 किलोमीटर के फासिले पर है। और आप ये वैसे भी तारीखी मुकाम तो अपनी जगह लेकिन ये वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये इलाका भी। तो मेरे साथ रहे, बातचीत करना चाहूँगा कि इस हवाले से क्या कहते हैं। ये नीचे अगर आप देखें तो छोटे छोटे स्टोपे बने हुए हैं। ये अंदर चले जाते हैं कि क्या सूरत है। सर क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये जी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टूपा है, ये तो इसकी लोकेशन एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे मेडिटेशन
तफक्कुर वगैरह जो है ना, इसके लिए बिल्कुल खामोश जगह। अच्छा, तो यहाँ से इस साइड से बहुत ज़बरदस्त हवा आती है तकरीबन हर टाइम। तो आप जब भी यहाँ आते हैं हम, तो यहाँ पे खड़े हों आप, तो आपको एक खुशगवार एहसास होता है, यहाँ से ठंडी हवा आ रही होती है। और जो इसकी डोम है, इसके ऊपर जो इसका इसका जो छत है, अगर इसको आप ज़रा कैप्चर करें ऊपर, तो एक देखें कि इन्होंने किस तरह वेट डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, विदाउट एनी पिलर्स, विदाउट एनी कंक्रीट, ऊपर का जो सारा वजन है वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है डोम के ऊपर, और बिल्कुल एक स्टेबल स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि उस वक्त के लोग जो थे आर्किटेक्चर के लिहाज से भी कितने वो थे, आगे थे, और कितना समझबूझ रखते थे इलम के हवाले से, फ़िलासफ़ी के हवाले से। तो बहुत सी जहतें हैं इसकी जिसको मेरा ख्याल है और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, आवाम को बताने की ज़रूरत है कि ये गंदारा बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन जो थी इसमें क्या क्या खूबियाँ थी। बिल्कुल सर, और ये मेरे ख्याल में ये पत्थर इस्तेमाल की गई है ना सारा। ये पत्थर की स्ट्रक्चर को आप देखें तो किस तरह इन्होंने जो एक नफासत के साथ इसको बनाया हुआ है, जो इसके गैप्स होते हैं ये छोटे छोटे, अगर आप इसकी क्लोजअप आप इधर लें, हाँ इधर से आप ले लें, ये आप क्लोजअप लें, तो इसमें बड़े पत्थर जो हैं इसके साथ छोटे पत्थरों को किस तरह इन्होंने मिलाया हुआ है और उससे किस तरह एक स्मूथ इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आजकल के ज़माने में आपको पत्थर के काम में बहुत कम मिलेंगी, शायद ना मिलने के बराबर है। बिल्कुल ठीक, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्रोफेसर अज़हरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं तारीख़ के हवाले से भी बताए सर, और ये भी बताए कि ये आप समझते हैं कि बरकोट से ये कितने फासले पर होगा और सियाहत के फ़रोग़ में ये क्या किरदार अदा कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये बेसिकली बलोकलर डबल डूम स्टूपा या गुम्बतुनु स्टूपा इसको कहते हैं सर। तो ये साउथ एशिया में वाहिद जो डबल डूम स्टूपा जो लेट हिंदुशाही पीरियड के नज़दीक स्टूपाज है तो इनमें से है, तो ये वाहिद सर्वाइव स्टूपा है। और ये बताई जाती है कि ये ऑलमोस्ट सेकंड सेंचुरी के राउंड अबाउट है, यानी आज से तकरीबन 1800 साल पहले तो ये यहाँ पे मौजूद है। तो एक तो इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और ये रिसेंटली 2011 में इसके प्रिजर्वेशन पे काम की गई थी, इसको रिस्टोर किया गया था, कुछ हिस्से उसके डैमेज हो गए थे, तो इटालियन आर्कियोलॉजिकल मिशन के थ्रू इस पे काम किया गया है और इसको रिस्टोर किया गया है। तो ये बरकोट से तकरीबन टोटल डिस्टेंस जो है ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर होगी, और मिंगवरा से है तकरीबन 17-18 किलोमीटर। तो ये बिल्कुल एक्सेसिबल है ईज़िली, और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आ सकते हैं जो लोग इस्लामाबाद पिशावर वगैरह से आते हैं नीचे सिटीज़ से, तो ये बरकोट से राइट टर्न लेके यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। तो काफ़ी हद तक रोड जो है ये मेटल रोड बना हुआ है। अभी इस इलाके में यूनिवर्सिटी के दो प्रोजेक्ट्स भी चल रही है, तो वो कंप्लीट हो गया तो उससे ये इलाका जो है और भी एक्सप्लोर होगा। तो काफ़ी टूरिस्ट फ्यूचर में इस पे आ सकते हैं, और ये बहुत अहम आर्कियोलॉजिकल साइट है सर। अच्छा ये बताएं इसके अलावा यहाँ पर क्या है,
सर इसके आसपास जो है बहुत ग्रीन बागात है, तो ऑर्चर्ड्स है आड़ू की, खुबानी वगैरह की। तो ख़ासकर जब ये ब्लॉसम सीज़न होता है मार्च में, जब इस इलाके में फूल खिलता है, तो ये पूरा इलाका जो है ये एक पिंक दुपट्टे के मानिन होती है सर। तो ये है। इसके अलावा अगर आप एडवेंचर टूरिज़म की बात करें तो सामने जो है ये बंजीर बाबा का टॉप है और इसके साथ वोलोकस है, जो बंजीर बाबा भी एक बंजीर बाबा का मज़ार है उस टॉप पे, और उधर ओक ट्रीज़ जो होते हैं जिसे पश्तो में हम बंज कहते हैं, उसके एक बहुत डेंस फॉरेस्ट है और टॉप जो है लश ग्रीन टॉप है वोलोकस। वोलोकस जो है बेसिकली ये चार डिस्ट्रिक्ट्स के मर्दान, बुनेर, मलकण और सवात, इन डिस्ट्रिक्ट के संगम पे है। यानी इसकी इसी साइड पे बाजदरा है जो मर्दान काटलंग का इलाका है, इसी साइड पे ताना मलकण का इलाका है, इसी साइड पे बुरीकोट ये कंडाक का एरिया है, और उसी साइड पे बुनेर है। तो ये चार डिस्ट्रिक्ट का संगम है, और इससे आप जो है नीचे जो सवात मोटरवे है और कर्नल शेरखान इंटरचेंज तक जितनी भी एरिया है नीचे, बल्कि क्लियर वेदर में आप पिशावर तक नज़ारा कर सकते हैं। तो ये वाक़ है। और हाँ, इसके अलावा जो है यहाँ पर एक सरगासर टॉप है, तो उसमें जो बुद्धिस्ट से पहले क्या है रॉक पेंटिंग है सर, तो ये मौजूद है। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिस्ट्री, इस एरिया में सबसे जो ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट है, तो ये भी इस इलाके में सर मौजूद है। वापस चलते हैं।